मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 7 साल की बच्ची माहिरा मालदार की उसी के पिता अनीस मालदार ने उसके साथ मारपीट की और गला दबाकर उसकी जान ले ली और खुद भी जहर पी लिया। ये पूरा मामला रात 12 बजे के आसपास सामने आया है। बॉम्बे कॉलोनी के संतोष नगर के अरशद मंजिल के रहने वाले हैं अनीस मालदार और उनकी बीवी सोफिया मालदार में पैसों को लेकर झगड़ा हुआ था। दरअसल अनीस वैसे तो बेगारी का काम करता था मगर कभी कभी ही काम पर जाता था। ऊपर से अनीस को जुआ खेलने की आदत थी। अनीस की बीवी सोफिया जॉब करती थी और जॉब से जो उसे पैसा मिलता था वो अपनी बेटी और अपना खर्च चलाती थी, मगर बीच बीच में अनीस भी उससे पैसों का डिमांड किया करता था क्योंकि उसे जुआ खेलने की आदत लगी हुई थी और इसी को लेकर अनीस और सोफिया के बीच में हमेशा झगड़े होते थे। मगर कल रात में सोफिया को सोनोग्राफी कराना था, इसलिए अनीस से सोनोग्राफी कराने के लिए सोफिया ने पैसा मांगा कि उसे सोनोग्राफी करना है, उसे पैसे दो। पैसे न होने की वजह से दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर सोफिया ने अनीस से कह दिया कि वो उसे छोड़ देगी और अपनी बेटी को लेकर अलग रहेगी। जिसके बाद अनीस अपनी बेटी माहिरा को लेकर घर से बाहर निकल गया और रात करीब 12 बजे के आसपास दत्तूवाड़ी के पास मुमरा बाईपास पर ले जाकर माहिरा के साथ मारपीट की और उसका गला दबाकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और खुद भी जहर पी लिया। और इसकी जानकारी खुद 100 नंबर पर फ़ोन करके अनीस ने दी। पुलिस को बताया कि उसने अपनी बेटी को मार डाला है और खुद जहर पी लिया है, जिसके बाद मुमरा पुलिस मौके पर पहुंची और माहिरा का शव बरामद किया और अनीस को कलवा छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां से उसे मुंबई के जे हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया है। इस घटना के बाद बच्ची की माँ सोफिया मालदार ने क्या कुछ बताया है, सुनिए। मालदार कैसे जो आपकी लड़की के आपके हस्बैंड ने मार दिया है, तो क्यों मारा, क्या वजह? वो गुस्से से घर से लेके निकला था, बस घर में थोड़ी सी तूतू मैम में हो गई थी हम लोग दोनों में। आपके वजह? हाँ, मेरे में और मेरे हस्बैंड में, बस ऐसी मतलब पैसे वगैरह के वजह से ये सब चीज़ से हुई थी, तो बच्ची को लेके घर से निकल गया था। हाँ, और उसके बाद लड़की को इसके लिए मारा कि मैंने बोला था कि मुझे लड़की दे दे, मैं तुझे छोड़ना चाहती हूँ, मतलब 9 साल से मैं उसके साथ में थी, मुझे अब तेरे साथ में नहीं रहना है करके। बस माहिरा मालदार नाम है उसका, बच्ची की उम्र 7 साल। आपके हस्बैंड का क्या नाम है? अनीस मोहम्मद खान मालदार। बॉम्बे कॉलोनी में? हाँ, बॉम्बे कॉलोनी में। हमेशा ऐसे ही झगड़ा करता था? ये हमेशा ऐसे ही झगड़ा करता था, जुगारी एक नंबर का। जुआ खेलते थे? हाँ, जुआ खेलते। काम वगैरह कुछ नहीं करते? कुछ नहीं, कभी कभी मन में आया तो करते थे, वरना घर का खर्च ऐसे में कौन चलाता? मैं खुद जॉब करती थी। नशा वगैरह भी करता था? नहीं, नशा वगैरह नहीं, सिर्फ जुगारी। पैसा आपसे मांगते रहता था? हाँ, बस हमेशा पैसा मांगते रहता था कि मुझे पैसा दे, मेरे को जुआ खेलना। बच्ची को मारने के बाद उसने कुछ भी पॉइजन पी लिया? हाँ, उसने थोड़ा सा खाया है ऐसे बोल रहे हैं। कभी कौन से हॉस्पिटल ले गए? जे में लेकर गए। बाईपास पे मारा या रिची बंदर? वो बाईपास का नाम लिए कि बाईपास में, दत्तूवाड़ी बाईपास में करके। पुलिस ने आपने कंप्लेन वगैरह? मैंने किया था रात में कंप्लेन। वही पुलिस ने बच्ची के शव को भी पोस्टमार्टम के लिए कलवा छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल भेज दिया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने 302-364 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।